जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी मन न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रहे न्यार, ना है मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्याग, जगते रे निराशा, काम क्रोध जै पर से नाही, ते काट ब्रह्म निवासा, गौर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगद पछानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु सवारी साध संगत जी, अति सत्कार जो परम पूज्य श्री मान संत बाबा नत्था सिंह जी, जिन्हां दी अज बरसी मिठी याद विच आपां सारे जुड़ बैठे हां। मेरे अजीज भाई परमजीत सिंह जी सुचजे ढंग नाल जो स्टेज दी ड्यूटी संभाल रहे ने, इस स्थान तो विद्या प्राप्त कीती है, अज देशां विदेशां विच आशीष मिल रही है। तो दस रहे सन के महापुरखां दा जो जीवन है, असी भी संसार विच आए हाँ, वो भी संसार विच आए ने, ये संसार विकार संसिम है। तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए, प्यावे ए रस अकथ कथा तिन जाने, जिन्हां नूं समझ दे दित्ती, सूझ दे दित्ती, ज्ञान दे दित्ता, वह भी इस गंदे मंदे संसार विच रहिंदे ने, लेकिन नरलेप ने। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, कि जिस तरह कमल का फुल चिक्कड़ विच गंदे पानी विच है पर नरलेप है, उन्हें बिल्कुल पो नहीं सकता पानी। इस तरह संसार महापुरख इस संसार विच आउंदे ने नरलेप हो करके। तुहाडे मेरे दरमियान साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की मुबारक रसना तो 66 राग विचों ये शब्द की सांझ बनी है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर पै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। कि जेड़ा मनुख दुखां दे विच बिल्कुल घबरांदा नहीं, किन्नी विपता पै जावे, किन्ने पहाड़ दुख दे आ जाण, ते उस दे आनंद विच उंदी रजा दे विच जेड़ा रहना, ये पंक्तियां बाबा नत्था सिंह जी दे जीवन ते टुकदियां ने। गुरमुख प्यारे उस समय दे जो बजुर्ग हैं, गुरमुख प्यारे ने वह दसते ने कि जदों घर विच नौजवान बेटे की डैथ हुई, तो आन करके मैसेज किसी दिता सुने, कहन लगे जी आ भाणा वरत्या, उन्हें पंक्ति कि सुनाई
कहन लगे पांचों लड़के मार के। कहन लगे कि मैं तुसी एक दी गल कर दियो, जिस दिन इस पास से लग गया ना पंजा नू मार करके बचन बड़ा उन्होंने जीवन टुकदा। बेनती करांगे गिरसी जीवन विचों भी बाणी विचों। कहन लगी हुण उस नाल लिव जुड़ गई है, इस करके जो नर दुख में दुख नहीं मानना, सुख स्नेह और पैनी जाके सुखां दे नाल कोई हित नहीं। असीं की करने आ, खुशी मिल जाए सुख मिल जाए ते आपे तो बाहर कपड़ियां तो बाहर हो जाने, ते किसी प्रकार का दुख साढ़े उत्ते आण करके आ जाए असी उस दुख दे विच इन्ना घबरा जाने आ, वो दुख नू इन्ना कु महसूस करने आ बहुत ज़्यादा। पर महापुरख जिहड़े हन वो इस अवस्था तो बहुत उच्चे ने, इस अवस्था तो बड़े उच्चे दुखां विच घबराते नहीं, सुखां दे नाल मोड़ अति सत्कार जो परम पूज्य सन बाबा जोगा सिंह जी नवियाबाद वाले जी आया नू सारी संगत वालों जितने कदम चल के आए सिर मत्थे। जो नर दुख में दुख नहीं मानना है, सुख स्नेह अर पैनी जाके कंचन माटी मानना है, सुखां दे नाल कोई हित नहीं। ते कंचन कहंदे ने सोना, सोना नू मिट्टी करके मनना। मैनूं बचन याद आया है, साढ़े इलाके सरदार महिंदर सिंह जी वो महापुरखों के ना सेवादार बने, कोई समा गड़बई बने, तो उन्होंने भी भगवे बस्तर जड़े ना वो पा लिया। इन्होंने बच्चों पता नहीं भाई हरदयाल सिंह जी छोटे सन, मैं इस चीज़ का पता है, मैं अपने अखी देखे उन्होंने। तो भाई परमजीत सिंह जी के ये बचन याद कथा वास्ते कम देंगे, ध्यान ना देना सुनना। ते कुछ समा उन्होंने महापुरखों की सेवा की, ते एक गुरमुख प्यारे करनाल तो बड़ा सुंदर थान भगवे बस्तर उदों खुला बिना सीन तो कपड़ा महापुरख बलेड़ते सन, वो थान लै करके जो आया ना ते भाई महिंदर सिंह जी कहन लगे हुण मेरे ते कृपा करो, मैं भी अपनी कुटिया हुण बनानी है ते चरण पाओ, ते मेरा मन जिहड़ा ना हुण बिल्कुल ठीक हो गया, मन मेरा मर गया। सत्कारयोग बाबा नत्था सिंह जी कहन लगे भी मैनू किवें पता लगेगा, मैं ते थर्मामीटर ला के चैक करांगा भी तेरा मन मरिया कि नहीं, तू कह दिता ना पर मैं भी तो देखना ना पर कि तेरा मन मरिया कि नहीं। कंचन माटी का मैं अर्थ कर रहा हूँ जी, शब्द कंचन माटी मान वो गुरमुख प्यारे बड़ा सुंदर महंगा थान ला करके आए, तो भाई महिंदर सिंह जी रोज़ कह के मैनू छुट्टी दो, कृपा करो आप जी की बख्शिश मेरे ते बड़ी हो गई है, तुहाडा संग करके ना तो मैं हुण इस अवस्था तो उच्चा हो गया वा, हुण मैं अपना स्थान कुटिया ते तुसीं कृपा करो चरण पाओ थे ते मेरे स्थान की ना आरंभता करा क्या। ते गुरु प्यारे साध सिंह महापुरखा ने की किया, जिहड़ा सेवक थान लेकर के आया सी ना बस्तर लेकर के आया वह उत्थे बैठा, तो बाबा जी ने जिन्हें बस्त्र की लोड़ सी ना अपने तन के उत्ते उन्ना को बस्त्र कट के ना ते पराली पे सी कुछ पूड़ियां लेकर के वह थान उपर रख दिता, अग ला दी, महंगा थान। सारे सोचां च पै गए भी ये की गल, भी इन्ना सोहना वह थान लेकर के आया, उहदी सेवा सी, ते महापुरखा ने इहनूं अग ला दी, अगन भेट कर दिता। ते भाई महिंदर सिंह जी कहन लगे बाबा जी जेकर वेखो इन्ना कीमती वह बस्त्र लेकर के आया ते तुसी इहनूं साड़ दिता, अग ला दी,
असी ग्रिश्ती बंदे सां तुहानू निश लोड़ सानू दे दिंदा सानू दे छड़ दिया सी ते बाबा जी हस पए ते तुहानू पता है बोले सीधे सन कहन लगे पागला तेरे करके तेरा काम किया तेन थर्मामीटर ला के वेख्या भी तेरा मन मरिया कि नहीं मरिया मैनू पता कीमती ओनू कहन लगे तेरी सेवा प्रवान होगी क्योंकि असी अपने तन ढकन वास्ते उन्हां को ला लिया तेरी सेवा पूरी प्रवान है पर इनू थर्मामीटर ला करके वेख्या साम भी इन का बुखार लै गया ली मोह का लोभ का लालच का कि है आली कसर के कहन लगे तेरे करके ते ये वेख्या भी तू संत पूरा बन गया कि नहीं कहन लगे आली खिच है आली पकड़ है आली बड़ी दूर की बात है बहुत लंबा पेंडा है इस करके आखन नाल नहीं भी तू कह दिता कि मेरा मन मर गया तुहाडा संग करके मैं इसे करके तेन परखण दे वास्ते ये काम किया है भी देखा पड़ा भी एक ही बोल रहा है और मैनू ही पता कीमती ये समान सी बस इस करके पंक्ति आप जी ने शरण की के जो नर दुख में दुख नहीं मानना सुख स्नेह अर पैनी जाकर कंचन माटी माने कंचन सोने नू कहिंदे कि सोने नू भी जेड़ा अपनी नज़र विच मिट्टी दे समान समझदा भी ये मिट्टी है सोना नहीं जिस तरह तुहानू दृष्टांत दिता हड बीती हकीकत जो ये सुनाई कि उन्होंने वह मिट्टी दे समान समझ करके जेड़ा है उसनू साड़ दिता है दूसरी न निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रह न्यारो ना ही मान अपमाना कोई निंदिया करी जाए कोई उस्तत करी जाए वैसे साढ़े मनुख का सुभा है असी अपनी निंदिया बर्दाश्त नहीं करते ते कोई उस्तत करे ते उस पासे ध्यान दें कन दें भी कोई उस्तत करे साड़ी उस्तर सुनना चाहते हैं निंदिया नहीं सुनना चाहते पर महापुरख जदों वो उच्ची अवस्था से पहुँच जाते हैं उन्होंने पता है भी जिवें रुपये का सिक्के दे दो पासे ने ना ये निंदिया ते उस्तर दोनों बराबर ने इस करके इस पासे कोई ध्यान नहीं देंदे वो प्रभु परमात्मा परमेश्वर दी उस्तुति दे विच लगे रहिंदे ने सिमरन विच रहिंदे ने रहिंदे संसार विच ने पर नरलेप ने कोई निंदी जावे कोई उस्तत करी जाए वो दोनों पासे ध्यान नहीं देंदे आ मनुख का सुभा है निंदिया बर्दाश्त नहीं करता अपनी वड्याई चाहता है उस्तुति अपनी चाहता मेरी को उस्तत करे ना निंदिया ना उस्तुति लोभ मोह मोह ना किसी प्रकार का लोभ ना इज्जत ना बेइज्जती मैं एक टैगोर की पुस्तक पढ़ रहा सा वैसे समा बड़ा सीमित भाई साहब जी दस दे टाइम हो नहीं गया मैं पढ़ रहा सी उन्हां दी पुस्तक एक उन्हें बड़ा सोहना बचन लिखिया कहन लगे कि मैं एक दिन बैठा तो मेरी घरवाली ने ना शाल दे दिन उन्हें ठंडे पानी की बाल्टी जी ना मैं बंदगी विच बैठा सिमरन विच उन्हें मेरे उत्ते पा दी मैं उस तरह बंदगी विच रहा तो उस तो बाद उन्हें मिट्टी का थोबा मारिया तो कोई वेख रहा सी कहन लगे कमाल भी घरवाली होवे इस्त्री दे पहला पानी डोल दे पो मांग दी सर्दी च उस तो बाद जिहड़ा ना वह थोबा मार दे मिट्टी का तू फिर भी नहीं कुछ गया कहन लगे मैं इन्हें चरण धो धो के पीना चाहना कहन लगे जिहड़ा इन्नी बिजती करे तो उन्हें चरण फिर धो धो के कहन लगे संसार इस तरह नहीं करता जिन्हों घर दे विच इन्नी प्रैक्टिस हो जाए ना इन्नी ज़्यादा भी इन्नी बिजती हो जाए तो उन्हों बर्दाश्त सहन कर लेना तो संसार विच उन्हें जय जय कर क्योंकि संसार ना थोबे मर देना पानी डुल जाते ठंडा
इस करके इन्हें मैं गेह देखो जी पा दी ला दिता संसार इस तो बद की कर सकता ना है मान अभिमान ना इज्जत ना बेइज्जती ना हंकार अभिमान हंकार हर सोग ते रह न्यारो ना है मान आसा मनसा सगल त्याग गए असी आसा दे विच तियां दे पुत्रां दे उत्ते आस लै करके जिउंदे भावें वड्डे होके पुछण भी ना सेवा भी ना करन पर ओ इस अवस्था तो किन्नी को आसा मनसा सगल त्याग गए जग तेरे निराशा काम क्रोध जे परसे नैन ते कड़ ब्रह्म निवासा असी आसा उम्मीदां दे उपर अपना जीवन बतीत करने आ पर महापुरख वर्त समान समय दे विच जिउंदे ने कदी आस उम्मीद ते उहनां दा जीवन नहीं भी मैनूं इत्थों सुख मिलेगा जां मेरे नाल आ कुछ करनगे आस उम्मीद तों उच्चा जीवन आसा मनसा सगल त्याग मनीषा अंदर दी मनसा अंदर दा कोई तांग अगे वास्ते कोई उम्मीद इन्हां नूं बिल्कुल त्याग के आसा मनसा सगल त्याग के जग ते रह निराशा जगत दे विच रह करके संसार तो उपराम रहना आसा मनसा सगल जग ते रहना काम क्रोध जे परसे नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा ना काम ना क्रोध ना लोभ ना इज्जत ना बेइज्जती ना आसा ना मनसा इन्हां सारियां तो उपर हो करके गुर कृपा जे नरको किन्नी गुर कृपा जे नरको किन्नी ते ए जुगत पछाणिया जिन्हां दे उत्ते गुरु कृपा कर जाए उनकी बख्शिश रहमत गुर कृपा जे नरको किन्नी जिस ते जिस नर दे उपर जिस मनुख ते महापुरख ते उनकी कृपा ते बख्शिश हो जाए गुर कृपा जे नरको अति सत्कार जो भाई जमेर सिंह जी पहुंच गए ने सतगुरु बख्शे गुर कृपा जे नरको किन्नी ते ए जुगत जानी ओनू ए समझ ए जुगती ए तरीका ए ढंग उसनू आ गया परमेश्वर ने नानक लीन पयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी उन्हां दी सुरती इस तरह समाई जिस तरह पानी विच पानी समा जांदा ना इसे तरह प्रभु परमात्मा परमेश्वर दे विच कुछ भी संसार विच हुंदा रहे वह लीन हो जांदे ने उन्हां दी बिरती परमेश्वर दे नाल जुड़ जांदी है पंज भूत शरीर भी जदों त्यागदे ने ना ते फिर उन्हां दा ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गुण पाए बिसना नान प्रभ के सद कुरबान उन्हां दा आवागमन संसार तो खत्म जिवें जोत दे विच जोत समा जांदी है उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर दी जो स्वरूप प्रभु परमात्मा दे विच समा जांदी सो ऐसे सन परम पूज्य सन बाबा नत्था सिंह जी असी सतगुरु बख्शिश करें कि उन्हां दे इस स्थान ते उन्हां दे बेटे ही परम पूज्य श्री मान संत बाबा जोगा सिंह जी सत्कार योग आ कदी महीना दो लेट हो जाइए इन्हां स्थान ते मत्था ना टेकण ते कहन लगे की गल बाहर चले गए बाबा नत्था सिंह जी भी जदों भी आउंदे जांदे क्योंकि इस इलाके च कथा दा समां तुसीं दुख सुख नूं दिंदे हो कहन लगे बेटा जिदा जिन्नी मर्जी काल भावें एक मिनट मेरे बच्चे हो एक मिनट भी मिल जाओ तो जिहड़े बजुर्ग ने खोच ये विशेष प्यार करदे सन बाणी पढ़न वाले कीर्तनियां नाल कथा वाचक नाल संगत नाल अथाह प्यार सुना उन्हां दी जात साडे नाल सदा रहेगी उन्हां दी आशीर्वाद सानू सारयां नूं क्योंकि इस स्थान ते अज भी असीं मनों कोई अरदास करने आ जां कोई भी करदा है क्योंकि महापुरख जांदे नहीं जन्म मरण दूं मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हरस्यो लैण मिलाए उन्हां दी सदा वह भगती ते सिमरन ओ शक्ति ओ ताकत वरतदी ओ ते सदा दे वास्ते जिन्ना चिर धरती समान सूर चंद्रमा रहे तो सहम बख्शिश करें आप सत संगतां दा मान सम्मान वास्ते बहुत धन्यवाद
सत्कारयोग मेरे अजीत परमजीत सिंह वीर अरदयाल सिंह जो बाबा जी के पोतरे ने अपनी मुबारक रसना नाल कीर्तन की दात परमेश्वर ने बख्शिश की है। भाई जमेर सिंह जी भी कनेडा वाले वह भी पहुँच गए ने, उन्होंने शीशा देनिया ने इन्ने को बचन प्रवान करने। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह।